लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस यूज करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन a। तो अगर हम देखें, हमें गिवन है साइन ऑफ 3a, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2a प्लस a के इक्वल। एंड हमें पता है कि साइन ऑफ x प्लस y ये होता है साइन x cos y प्लस कॉस एक्स साइन वाई के इक्वल। तो इसके बेसिस पे हमें मिलेगा कि साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ऑफ 2a इंटू साइन ए। तो साइन 2a हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस 2 इन टर्म्स ऑफ साइन ए होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब ए। ये आ गया, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा कि साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू 2 sin a into 1 minus of sin square a plus sin a minus of 2 sin cube a. That would give us 2 sin a minus of 2 sin cube a plus sin a minus of 2 sin cube a. So 2 sin a plus sin a ho jayega 3 sin a minus 4 sin cube a ke equal. तो यहाँ से हमारे पास आया कि साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये आ गया हमारे पास। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन a। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह और भी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।